हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस यार, अभी हमारी नई जॉब लगी है और अभी हम फ्रैंकलिन से सीधा डिटेक्टिव फ्रैंकलिन बन चुके हैं और हमारे पास पहला मर्डर का केस भी आ चुका है और ये जो सामने जो बॉडी देख पा रहे हो आप गाइस, वही बंदा है। तो चलो गाइस, इसका केस आज सॉल्व करते है। अरे हेलो डॉक्टर सर, क्या हुआ? अभी यहाँ पर नाच गाना चल रहा है। अरे डॉक्टर सर, क्या कर रहे हो यार, मजाक मत करो। मजाक करना तो तुमने चालू किया। तुम देख नहीं रहे हो क्या, यहाँ पर मर्डर हो चुका है और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी, इसको बाहर निकालो। अरे डॉक्टर रुक तो जाओ, मैं डिटेक्टिव फ्रैंकलिन हूँ। अरे हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है ना। हाँ डिटेक्टिव फ्रैंकलिन। हाँ तो देखो डिटेक्टिव फ्रैंकलिन, मुझे लगता है इस बंदे का मर्डर किसी एक ही बंदे ने किया है, क्योंकि इस पे बाकी के फिंगरप्रिंट आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है डॉक्टर सर, मैं सब कुछ समझ गया, किसी एक ही बंदे ने इसको मारा है। और डॉक्टर, पता चला वो फिंगरप्रिंट किसके है? अरे हाँ डिटेक्टिव फ्रैंकलिन, मुझे पता चला वो इसी के दोस्त के है, लेकिन उसका दोस्त 1 साल से जेल में है तो वो तो नहीं मार सकता। अच्छा, ओ भाई साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही तगड़ी गड़बड़ हो गई। और कुछ क्लू भी नहीं मिल रहा है। ठीक है ठीक है, तो गाइस यार मुझे समझ गया, क्योंकि गाइस जो फिंगरप्रिंट जो इसके दोस्त के है वो तो 1 साल से जेल में बंद है, तो ये मर्डर किसी आपस के ने ही किया है। गाइस आपस के ने मतलब गाइस उसके जो रिश्तेदार या घर वाले हो गए उन्होंने, या उसका दोस्त वोस्त। लेकिन 1 सेकेंड, चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कुछ ना कुछ तो पीछे छोड़ के ही जाता है। अरे हाँ डॉक्टर सर, क्या तुमने ये एरिया पूरा चेक किया? अरे हाँ डिटेक्टिव फ्रैंकलिन, हमारे आदमियों ने ये एरिया पूरा चप्पा चप्पा छान मारा है। तो गाइस यार, ये केस तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन खूनी कौन हो सकता है? लेकिन 1 सेकेंड भाई, यहाँ पर इतना कूड़ा पड़ा है। ओए ऑफिसर, क्या तुमने यहाँ पर चेक किया था? हाँ सर। ठीक है तुम्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन ये कौन है भाई? ये तो कोई गैंगस्टर लग रहा है भाई, वॉन्टेड। तो चलो गाइस यार, मुझे ये रास्ता पूरा देखना पड़ेगा। गाइस मेरे को तो समझ नहीं आ रहा इन बंदों ने क्या क्या देखा है। 2 hours later। तो गाइस यार, काफी देर ढूंढने के बाद गाइस हमें फाइनली एक बंदे का सेल फोन तो मिल चुका है। दिक्कत ये है कि गाइस मैं तो इसे उठा नहीं सकता। ओए ऑफिसर, जल्दी इधर आ जा। अबे ओए ऑफिसर, तुझे ही बुला रहा हूँ भाई मैं, जल्दी आना। अरे ऑफिसर आ जाओ। अरे सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ जल्दी आ जा, तू ये सेल फोन उठा ले जल्दी। हाँ ठीक है सर, किधर है सेल फोन, मुझे जल्दी बताइए, मैं उठा लेता हूँ। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल। तो फाइनली गाइज, हमें उस बंदे की घर की लोकेशन और उसका नाम पता चल चुका है। और हाँ गाइज, ये जो सेलफोन है ये यही बंदे का है। लेकिन गाइज, और कल रात को एक बंदे का इस पे मिस कॉल आया था और उसका नाम था जेस्टर, और वही जेस्टर है जो कि है खूनी। तो चलो, हमने खूनी को तो ढूंढ लिया है, बस अब उसे कबूलवाना है कि ये मर्डर उसने किया है। तो गाइज यार, अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करो। गाइज वीडियो पूरा देखना, क्योंकि गाइज आगे बहुत ही तगड़ा मजा आने वाला है। तो अभी हम पहुंचते हैं उस जेस्टर के घर पर। ओके गाइज, अभी हम पहुंचने वाले उस खूनी के घर पर जिसका नाम है जेस्टर। गाइज ये नाम थोड़ा ये नहीं लग रहा, लेस्टर, जेस्टर। वैसे लेस्टर तो खून नहीं करेगा, अगर वो खून करेगा भी तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि गाइज वो बहुत ही तगड़ा मास्टर माइंड है। लेकिन इसको क्यों चुल हो रही है? तेरी बहन का भाई साले, गोली मार दूंगा भाई, इसे लगा तगड़ी गाड़ी है तो भाई चुरा लूंगा भाई, गोली मार दूंगा सीधा। वो सब छोड़ो गाइज, अभी हम फोकस करते हैं हमारे मिशन पर, जहाँ पर हमको पकड़ना है इस खूनी को। पता नहीं ये कितना डेंजर होगा। वैसे भी छोड़ो गाइज, हम उसका सीधा एनकाउंटर कर सकते हैं, क्योंकि गाइज वो एक मर्डरर है और मर्डरर की लॉस सेंटोस में कोई भी, मतलब गाइज हम भी एक मर्डरर है लेकिन हम अच्छे काम भी करते हैं। तो चलो गाइज, अभी एंटर करते हैं इसी घर में। मुझे पीने का शौक नहीं, मैं तो जीने के लिए पीता हूँ। ओ भाई साहब, इनके फुल नशे हो रहे हैं गाइज, रुको अभी इनको सीधा करता हूँ। भाई साहब गाइज, इसने तो 3-4 बोतलें घटक गया भाई ये तो। अबा कौन है बे तू, और मेरे घर में अंदर कैसे आ गया? अबे साले पैरों से आया हूँ, बता क्या करेगा तू, चल बेटे पुलिस स्टेशन चल अब तू। क्या पुलिस स्टेशन? अरे पुलिस स्टेशन नहीं भाई, आज तो मूड नहीं है, आज तो नहीं आऊंगा मैं। अबे साले ये कोई स्कूल है क्या? आज मन नहीं है तो आज नहीं जाऊंगा, जल्दी चल। अबे यार ये बंदे के किसी और को दिखाना यार, तुम मुझे डरा रहे हो भाई। गाइज मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, रुक जाओ भाई अभी इसका, भाई मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। अरे सुन भाई, मैं तो पुलिस स्टेशन नहीं आऊंगा, तेरे को जो करना है तू वो कर ले, चल। तेरी भैंस की साले, नहीं आएगा, उठ जल्दी। अबे तेरी ये पहली और आखिरी गलती होगी। अरे बहन के भाई मुझे मार रहा है। अच्छा नशे में तेरी भैंस की टकला फोड़ दूंगा साले तेरा। अबे साले तू है कौन?
रुक भाई रुक, तू तेरी भैंस की, साले तेरे पुट्ठे ही पुट्ठे लाल कर दूंगा, ये ले तेरे को मारता मारता हुआ पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा, साले मर्डर करता है। अबे मैंने कोई मर्डर नहीं किया, साले मुझे क्यों मार रहा है। अबे कभी तूने चोर के मुंह से सुना है मैंने चोरी की है? अरे भाई मैंने कौन सी चोरी नहीं की भाई। तो गाइस यार क्या आपने वो कहावत सुनी है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो गाइस यार इसलिए इनको पीटना पड़ता है। अभी इसको सीढ़ियों से गिराता हूँ, तेरी भैंस की, उठ साले। अरे चेले साले भाई, ये भाई क्या ही गिरा भाई ये, आजा भाई तू, आजा तू भाई, अब तेरे को भाई, ओ भाई सब गाइस फिर से गिरा दिया इसको भाई मेरे सामने भाई। अरे तेरी भैंस की, नीचे आना तू साले, इधर आजा चल। अबे साले मैंने ये ले, मैंने कुछ नहीं किया। अबे इसको कुछ ज्यादा ही रेप्टा रख दिया। अरे हाँ भाई ठीक है भाई, मैं चल रहा हूँ यार तुम्हारे साथ, मेरे को मत मारो भाई। सच सच बता, मर्डर तूने किया है ना, तेरे फिंगरप्रिंट मिले हैं भाई। अरे लेकिन भाई फिंगरप्रिंट तो उसके दोस्त के थे ना। अच्छा भाई उसका दोस्त तो तू है। अरे लेकिन भाई जिसका फिंगरप्रिंट मिला है वो तो जेल में है ना, उसने ही मर्डर किया है। अच्छा तो तुझे सब पता है, उसके दोस्त के फिंगरप्रिंट है और उसके जिसके फिंगरप्रिंट है वो जेल में है भाई। बढ़िया भाई, रुक जा भाई तू, अभी पुलिस स्टेशन चल। अरे लेकिन सर मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया तो। अरे भाई तूने कुछ नहीं किया इसलिए तो तुझे पुलिस स्टेशन लेके जा रहा हूँ, वरना तेरा इनकाउंटर हो गया होता अभी तक। अच्छा इनकाउंटर, हाँ ठीक है सर मुझे बचा लेना। चलो गाइस अभी हम पहुंचने वाले पुलिस स्टेशन। हाँ भाई मेरे पीछे आजा, अंदर चल। अरे लेकिन सर मुझे कुछ नहीं किया, मुझे घर जाना है सर, मुझे छोड़ दो यार प्लीज। अबे भाई तूने मर्डर करते वक्त तेरे हाथ नहीं कांपे होंगे, अब तू तेरी क्यों ये कर रहा है भाई, तू चुपचाप चल मेरे साथ अंदर। अरे ऑफिसर वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। गाइस यार ये बहुत भाई, ये तो मर के ही मानेगा भाई, अब ये भाग रहा है, इसको इनकाउंटर करना ही पड़ेगा यार। भाग बेटे बचेगा नहीं तू, ये ले अभी और उठेगा, ये ले तेरी भैंस की साले, चल बे मर जा साले। भाई ये अगर भागा नहीं होता तो शायद ये बच जाता, लेकिन गाइज चलो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दो गाइज। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।